गोड्डा लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे बाबा मंदिर पहुंचे, जहां सर्वप्रथम विधि विधान से बाबा भोलेनाथ का पूजा अर्चना कर बाबा से आशीर्वाद लिया। मौके पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि गोड्डा लोकसभा के सोना, राय, ठाड़ी और देवघर जिले के सारठ में हॉस्पिटल का शिलान्यास किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गोड्डा लोकसभा के 4 रेलवे स्टेशन का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ गोड्डा से देवघर जो लाइन चालू हो चुकी है, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। कुल मिलाकर गोड्डा लोकसभा को लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सौगात दी जा रही है। कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के साथ ही कल 12 बजे हरदीप सिंह पुरी के द्वारा भी गोड्डा लोकसभा को एक बड़ा तोहफा देंगे, जिसमें घर घर पाइपलाइन के द्वारा गैस यानी सिटी गैस का भी उद्घाटन कल किया जाएगा। वहीं गोड्डा लोकसभा में कई विकास कार्यों को भी बात उन्होंने मौके पर कही। देवघर से बबलू साह की रिपोर्ट। हॉस्पिटल का शिलान्यास मेरा लोकसभा में सोना राय खाली देवघर जिला में सारठ हुए। परसों जो है माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे 4 रेलवे स्टेशन का जो है हमने मार्ग स्टेशन में शिलान्यास किया, एक देवघर, एक शंकरपुर, एक बास्की नाका, एक गोड्डा, और इसके अलावा कई एक सर्वे बनाया है। तो कल भी प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़ेंगे, परसों भी प्रधानमंत्री जी जुड़ेंगे, और जो आज की सूचना है उसके हिसाब से 1 मार्च को प्रधानमंत्री जी संवाद आ रहे हैं, और उसमें भी गोड्डा संसदीय क्षेत्र के लिए तोहफा दे रहे हैं। जो देवघर से गोड्डा नया रेल लाइन बना है उसका जो है उद्घाटन, और उसमें डिब्रूगढ़ के लिए पहली ट्रेन जो है वो चालू है। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जहन में जब कोई भी कार्यक्रम करते हैं, आज वो रायपुर से कार्यक्रम करें, कल वो गोड्डा से कार्यक्रम करें, परसों वो और किसी जगह पर है, लेकिन कहीं भी है वो, उनका मन और आत्मा जो है गोड्डा लोकसभा में और बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए है। तो हम कुछ रसीद हैं इस तरह की कार्यक्रम हुआ है। कल आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के साथ साथ कल 12 बजे हरदीप सिंह पुरी जी भी यहाँ एक बड़ा तोहफा दे रहे हैं। जो गृहिणियों को घर घर गैस मिलना है, वो सिटी गैस मैंने कहा था कि देंगे, उसकी पाइपलाइन बिछ गई है, उसका भी हम लोग देवघर का उद्घाटन कर रहे हैं, और गोड्डा और दुमका का जो है शिलान्यास कर रहे हैं। ये एक और तोहफा है। मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में जिस तरह से अडानी ने अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ किया है, ईवी का स्टेशन आ रहा है, नैनो फर्टिलाइजर फैक्ट्री बन रही है, प्लास्टिक पार्क बन के तैयार है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, आगे 4-5 सालों में यहाँ के युवाओं को कहीं विस्थापन और पलायन का शिकार नहीं होगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का